120 पे है। हाय एवरीवन, टुडे आई एम ड्राइविंग मारुति सुजुकी सियाज। डेल्टा वेरिएंट है, 2019 मॉडल है और सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट है। SHVS टेक्नोलॉजी वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। और गाड़ी में जो इंजन है दैट इज़ 1.5 लीटर 1463 cc टू बी वेरी प्रिसाइज्ड। और गाड़ी का जो इंजन पावर है दैट इज़ 105 bhp। टॉर्क, जो गाड़ी खींचने की ताकत होती है गाड़ी के अंदर जिसे हम टॉर्क कहते हैं, वो है गाड़ी में 138 न्यूटन मीटर। गाड़ी की लंबाई वर्ना से है लगभग 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी का व्हील बेस का मतलब होता है फ्रंट एंड रियर टायर्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हील बेस। वो 5 सेंटीमीटर यानी मेरे जैसे बच्चे के एक इंडेक्स फिंगर जितना लंबा जो है गैप है। रियर स्पेस के मामले में बहुत आगे है बाकी अपनी कॉम्पिटिटर से ये गाड़ी। टायर सेक्शन जो है गाड़ी में दैट इज़ 185/65R15 विद ओनली फ्रंट डिस्क ब्रेक्स। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 170 mm। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है दैट इज़ 510 लीटर्स 510 लीटर्स का बहुत ज़्यादा जो है बूट स्पेस गाड़ी के अंदर है। एक और चीज़ जो गाड़ी में अच्छी है वो है सेम साइज़ का MRF के पाँचों टायर आते हैं इंक्लूडिंग स्पेयर व्हील, और सेम साइज़ का है यानी कि जिसे इसके बाकी के व्हील्स है, टायर्स हैं। डिफॉगर है और सेडान में वाइपर आता नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और चलो अब ड्राइव करके देखते हैं। 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स हेडलैम्प्स, एक हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है, एक प्रोजेक्टर है लो बीम के लिए। लेकिन ओनर का मैंने फीडबैक लिया तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस, हेडलाइट की जो परफॉर्मेंस है इज़ नॉट अप टू द मार्क। उनको ये बिल्कुल भी पसंद इसके हेडलैम्प नहीं है। और मेरे दोस्त की गाड़ी है, अजय की है, तो मैं उसकी गाड़ी लेकर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप भी परेशान अपने दोस्तों से, अजय परेशान होगा मुझसे, तो अगर आप अपने दोस्तों से परेशान हो कि वो आपकी गाड़ियाँ मांग कर ले जाते, तो पता आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो बताते कहीं हैं, होते कहीं और है। भाई आ रहा हूँ 5 मिनट में, आ रहा हूँ, बस निकल गया। आप अपनी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए गाड़ी में लगा सकते हो 1 लैप का वायरलेस GPS ट्रैकर। वायर्ड भी आता है, उसका लिंक ऊपर है, ये वायरलेस है। इसका पता सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये मैग्नेटिक है, हिलेगा नहीं। कहीं भी लगा दो इसे, मेटालिक पे, ठीक है, गाड़ी के अंदर, बाहर, पॉकेट में, ग्लव बॉक्स, कहीं भी लगा सकते हो। 10,000 mAh की इसके अंदर बैटरी आती है, पावर बैंक की तरह चार्ज हो जाएगा। इसमें एक सिम कार्ड यहाँ पर डलती है, यहाँ पे सिम कार्ड, इसका इग्निशन, और लगभग 20 दिन इसकी बैटरी चलती है, फिर निकाल के आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया फीचर है, गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ चल रही है गाड़ी, कहाँ कहाँ गई थी और कहाँ कहाँ गाड़ी ने स्टॉप लिया। आप इसका बैक डेट का भी प्ले करके देख सकते हो गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी, तो यू कैन हैव अ रिकॉर्ड ऑफ योर कार। और इसका जो परचेज लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों आप इसे ख़रीद सकते हो। बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत हैंडी है, कहीं भी छुपा सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आवाज़ करेगा तो चाहे गाड़ी के बोनेट पे लगा दो, कहीं भी छुपा दो, बच्चे के स्कूल बैग में डाल दो, बॉयफ्रेंड के उसमें बैग में डाल दो, गाड़ी में लगा दो, कहाँ क्या जा रहा है सब पता रहेगा। चलो इसे परचेज़ कर लेना। इसका वायर्ड, वायरलेस, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो। अब गाड़ी को ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी की ऐसी की आती है, की फॉब नहीं है, तो यू वॉन्ट गेट पुश बटन फीचर इन दिस कार। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जो है गाड़ी के अंदर है। Now I'll drive the car। ऐसा ये है, थोड़ा वुडन टाइप फील ऐसा दिखेगा। SRS एयरबैग लिखा हुआ है, 2 एयरबैग्स आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको सियाज के बारे में बताना चाहूँगा जो इसके बॉनेट से रिलेटेड है। अगर किसी के पास सियाज है या सियाज किसी ने अगर इतना गौर से देखी है तो देखा होगा इसके अंदर 2 फैन आते हैं। अब ये 2 फैन क्यों होते हैं, रेडिएटर वाले, हाई कूलिंग इफेक्ट के लिए। एक चलता है नॉर्मली जब गाड़ी की कूलिंग रेडिएटर की करनी होती है, दूसरा जब AC ऑन करते हैं, हाई लोड गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी पे इंजन में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट के लिए 2 फैन यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि स्पेस की वजह से आप एक बड़ा फ़ैन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रेडिएटर के साइज़ से बड़ा नहीं हो सकता, तो 2 लगाए गए हैं साइड बाई साइड फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग। अब जैसे मैंने बताया गाड़ी 2019 मॉडल है और गाड़ी की सर्विस में बता देता हूँ गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। इस गाड़ी का मैं ब्रेक टेस्ट कर चुका हूँ विद ब्रेज़ा, और गाड़ी को चला के आज गांव की गलियों में मैं दिखाऊंगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है, और गाड़ी 19,985 चल चुकी है। अब जो इनिशियल इंप्रेशन है गाड़ी का, देखो ऐसा है, साउंड अंदर नहीं आएगी। इसका एसी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल तो सुनाता हूँ गाड़ी का। रिफाइंड इंजन है, कोई साउंड अभी नहीं है। बाकी चलाने के बाद इसका भी फिर से मैं ब्रेक टेस्ट करने वाला हूँ एट द स्पीड ऑफ 100 kmph। आई वोंट गो अबाउट दैट। और ठीक है, खुली खुली गाड़ी है, यू वोंट बी एबल टू सी द बोनेट एज ऑब्वियस, आपको किसी भी सेडान में नहीं दिखाई देगा। ये एक स्पेस यहाँ रखने के लिए। अभी एक और चीज़ दिखा देता हूँ निकलने से पहले, बिकॉज वापस मुझे फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। जो स्पेस है पीछे वो सीएज का शानदार है, कम नहीं है, बहुत शानदार है। रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, और यहाँ से आप फ्लो इसका ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये दो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर है, और एक फ़ोन तो नहीं रख पाओगे, बाहर पैर में लगेगा आपके, तो वो आप ज़्यादा नहीं रख पाओगे। लेकिन स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, वरना से तो बहुत ही आगे है। बाकी अगर सही बात बताऊं तो जो ये भी जितनी भी गाड़ियां होती हैं सेडान वगैरह, ये 4 लोगों के लिए कंफर्टेबली होती है, क्योंकि सेडान का मतलब होता है कंफर्ट। अब 5 लोग ठुस के जाओगे इसमें तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहती हैं गाड़ियां, ठीक है। और अभी सियाज को रिकॉल किया गया था फॉर MGU रिप्लेसमेंट, मोटर जनरेटर यूनिट होती है, तो मारुति ने रिकॉल की थी, और वो इस गाड़ी का चेंज हो चुका है। एंड एज पर ऑनर MGU चेंज होने के बाद गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत बढ़ चुका है, वो मैं अभी चेक करूंगा। ब्रेज़ा, और इसकी मैंने ड्रैग रेस भी की है, और अभी इसके मैं ब्रेक अभी लगा लेता हूँ। गाड़ी 100 पे है, नहीं फालतू गई, 110 पे है। मेरा ऐसा मानना है, टाइम लिया है गाड़ी ने रुकने के लिए, बट स्पीड भी ज़्यादा थी, और स्क्रीचिंग की साउंड भी है, ABS की कम है, जो Hyundai की कार्स काफ़ी ज़्यादा नहीं करती, जैसे वर्ना बहुत ही ज़्यादा शोर करती है, वो साउंड इसके अंदर ब्रेक्स की नहीं है। जो ब्रेक लड़ते हैं और जो आवाज़ आती है ABS की बार बार, वो नहीं है। टायर्स की थोड़ी बहुत ज़रूर है। तो हो गया 110, ऐसा है, थोड़ा टाइम लेती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। आई माइट बी ज़्यादा मैं इसको लेके कॉन्शियस हूँ कि नहीं ज़्यादा देर लिया है, दोबारा चेक करूँगा। आज ऐसा काम कर दूंगा आज ये दोबारा गाड़ी नहीं देगा। लेकिन हाँ, पिकअप शानदार है, बहुत है गाड़ी का, और ज़्यादा हूँ रह वो सब भी नहीं करती है जितना बाकी गाड़ियाँ करती हैं। बहुत शार्प है ये गाड़ी। सेकंड गियर में भी ऐसा होता है, एकदम उछल के आगे भागती है। 100। एक बार टायर्स के निशान देख लूं, पीछे वैसे कोई नहीं है, मैं बता देता हूं। टायर्स के निशान वो वाले निशान नहीं है कि हाँ यहाँ गाड़ी स्किड हुई है, स्क्रीच हुई है, लेकिन ये जरूर पता लगता है यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक लगे एंड एकदम स्ट्रेट लाइन है। वैसे भी सेडान है, एज एक्सपेक्टेड गाड़ी ने बिल्कुल भी बैलेंस लूज नहीं किया। हाँ, वरना से एक वे में बेटर ब्रेक हो सकते हैं इस गाड़ी के। किस वे में कि गाड़ी आवाज़ जो है इसके ABS नहीं करते हैं। गाड़ी के टायर ज़रूर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के टायर घिसे भी हुए हैं, और 2019 का है, मॉडल है। अब गाड़ी की थोड़ी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सस्पेंशन यहाँ इस रोड पे नहीं बता सकता, हाईवे के ऊपर सस्पेंशन एक ही चीज़ बता सकता है कि गाड़ी हाई स्पीड के ऊपर स्टेबल कितना है। वो मैं थोड़ा सा अब इसको लेके जाता हूँ। हंड्रेड के ऊपर है, तो थोड़ा बहुत मैं कट वट मार के देखता हूँ। अब इस बार 120 पे है। MRF के टायर्स है गाड़ी में। 140, 160। पहली बार मैंने कोई गाड़ी 160 टच कराई है और कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब हल्का हल्का स्टेयरिंग ऐसा फील होना हो गया एक 170 कि हाँ गाड़ी हाई स्पीड पे है, तो 170 पे जाके गाड़ी हल्का सा स्टेयरिंग में वाइब्रेशन आएगा। इससे ज़्यादा गाड़ी के स्टेयरिंग के अंदर कोई भी वाइब्रेशन क्या गाड़ी बैलेंस लूज़ करती है, मान लो इधर उधर कंपकप आने लगती है, बैलेंसिंग जैसे ख़राब नहीं होती तब जो गाड़ी वाइब्रेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गाड़ी इज़ अल्ट्रा स्टेबल, स्टिल इट्स एट 120 kmph। I'll take U-turn now, और गाड़ी स्टेबल है, मैंने देख लिया। चलो फिर से देख लेते हैं 120 के ऊपर स्टेबल है। चलो नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे, हाँ U-turn अब काफी दूर है। आई थिंक मिस्ड वन, द नियरेस्ट वन। कोई नहीं, बाकी जो साउंड है एनवीएच देखो, हवा की आवाज़ ज़रूर है गाड़ी के अंदर, इंजन की नहीं है, हवा की आएगी बाहर से। अब इतनी स्पीड के ऊपर यार वो आएगी भी, क्वाइट ऑब्वियस। यहाँ से लेंगे यू टर्न। चलो इस गाड़ी के साथ ड्रैग रेस भी की हुई है ब्रेज़ा के साथ, वो वीडियो भी देख लेना। वीडियो शायद लंबी हो सकती है पर स्टे ट्यून्ड, क्योंकि गांव की गलियों में अब मैं सियाज को चलाऊंगा। मैंने सेडान नहीं चलाई, अभी जो वर्ना ली थी अपनी वो भी नहीं चलाई है। अरे अब एक चीज़ जो मुझे इसमें परेशान कर रही है कि जो डेड पैडल है वो बस ऐसा है कि सपोज दिस इज़ क्लच पैडल, एक सेकेंड, कि ये क्लच पैडल है तो आपको साइड में बस पैर रखने की जगह दे दी गई है, बट ये हाइट पे नहीं है, ये फ्लैट, मतलब ये क्लच है तो इतना गैप है, ये क्लच है तो ये डेड पैडल है, इतना गैप है दोनों के बीच। तो अचानक अगर मान लो डेड पैडल से आपको स्विच करना पड़ा पैर तो आपको शायद दिक्कत आ सकती है। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर यहाँ से क्लियर है तो क्लच काफ़ी हाइट पे है और जो डेड पैडल है वो सिर्फ नाम का है, मतलब साइड में जगह है ठीक है, लेकिन आप अगर लाना हुआ तो यहाँ अड़ सकता है वो, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा संभल के चलाना, ये मेरा फीडबैक था इसको लेके। वो अलग बात है, मान लो किसी के पास सियाज है या आजे की है तो उसको आदत होगी इस चीज़ की, क्योंकि हम एक चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं फिर। अब चलो सीधा गांव की गलियों में बात करते हैं। अभी जो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी MID में आ रही है दैट इज 16.7 kmpl। गाड़ी की 4 सर्विस हो चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 700 वाली। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस सियाज को मैंने पहले भी यूज़ किया, अभी भी कर रहा हूँ, और अभी आज मैंने वीडियो बना दिया, पूरा रिव्यू का ब्रेकिंग टेस्ट हो गया, हाई स्पीड स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, जो शायद मैंने आज तक किसी भी गाड़ी का नहीं किया है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाला टेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ मैंने सियाज का किया है, अपनी गाड़ी का भी नहीं किया, क्योंकि मुझे रोड खाली मिल गया था और इस गाड़ी में एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी 160-70 क्रॉस कर रही है। इस वजह से मैं इसे थोड़ा खींच पाया, अदरवाइज मैं नहीं खींच पाता इस गाड़ी को। पहली बार मैंने 170 की स्पीड टच की है। तो कैसा था वीडियो बता देना, अगर मेरे एफर्ट्स ठीक लगते हैं, जो मैं नई चीज़ें करता हूँ, ब्रेक टेस्ट मैं करता हूँ, स्पीड टेस्ट तो चलो पहली बार किया है, तो अगर मेरे एफर्ट्स ठीक लगते दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स का जवाब नहीं आता है तो इंस्टा पे मैसेज कर लेना, उनका आ जाएगा, थोड़ा देर सवेरे आ जाएगा। तो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।